हेलो वेलकम नमस्कार दाब सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम दिस इज अमरान अंसारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी व्लॉग्स। पता नहीं नया सेटअप किया है, साउंड कैसा आ रहा है। मेट्रो की बस चालू हो गई, दिल्ली मेट्रो स्टार बस। ओहो मैं सोचू स्टार बक्स ईवी इलेक्ट्रिक, क्या बात है, सब ईवी में शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। अब वो हमारे दिन पता नहीं कब आएंगे कि हम ईवी में शिफ्ट होंगे। मेरा 1K तो हो गया है ड्राइवर, बट जल्दी जल्दी और सब्सक्राइब करो ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं और जल्दी जल्दी अचीवमेंट्स को पा सकूं और मेरी वीडियोस को वायरल करो ताकि मैं वॉच टाइम भी पूरा कर लूं यूट्यूब का। हाँ 1K होने की खुशी में आप लोगों का थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच। वैसे वीडियो बनाई है मैंने, अगर वीडियो नहीं देखा आपने तो लिंक मिल जाएगा आई कार्ड में, वहां से जाके आप देख सकते हो फुल वीडियो। मैंने उसमें अपनी जर्नी बताई है, अपने आप को जैसे शुरू किया था मैंने वैसा बताया है कि मैंने कैसे कैसे शुरू किया था, क्या क्या हुआ था, कैसे किया था मैंने शुरू, ये सब बताया। तो जाओ वो वीडियो देख लेना, मज़ा आएगा देखने में, अच्छी वीडियो बनी है। ये तो आप बताओगे ना कि अच्छी बनी है कि नहीं बनी, मेरे लिए तो हर वीडियो अच्छी रहती है। कमेंट करके ज़रूर बताना दोनों वीडियो पर कि वीडियो कैसी लगी आप लोग को। और मैं अभी जा रहा हूँ हॉस्पिटल, जैसे कि मैं पहले भी कहता हूँ कि भैया हॉस्पिटल के और कोर्ट कचहरी के चक्कर ऊपर वाला ना कटवाए तो ही बढ़िया है, बट मुझे कैसे ना कैसे करके हॉस्पिटल भागना ही पड़ता है क्योंकि अभी मेरे पापा की तबीयत पूरी तरीके से सही नहीं हुई है, तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है रूटीन चेकअप के लिए, कुछ रिपोर्ट्स भी करवाने हैं उसके लिए मैं आज जा रहा हूँ जीबी पंत दिल्ली का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें। लेकिन गवर्नमेंट है तो समझ जाओ कि गवर्नमेंट के हिसाब से ही काम होते हैं, वही जा रहा हूँ। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता, एपी ढिल्लन का सिर्फ एक चेहरा क्यों आता है जबकि बंदे वो दो हैं साथ में गाने वाले। मैंने हर गाने तो नहीं, मतलब ज़्यादातर गाने में दोनों को ही देखा है, जो दो बंदे हैं शुरू में, जो ब्राउन मुंडे में शुरू फर्स्ट सॉन्ग मैंने वही सुना था ब्राउन मुंडे, तो उसमें जो दो बंदे थे वही दोनों की वॉइस में ज़्यादा सुनता हूँ। तो इसमें एपी ढिल्लन अकेला क्यों है, उसको क्रेडिट क्यों नहीं मिला? अब आई डोंट नो कि क्यों नहीं मिला या किस वजह से नहीं मिला या एपी ढिल्लन ही है जो मेन है, पता नहीं है, बट मेरे दिमाग में ये बात है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बाकी रिसर्च करो और बताओ कि क्या मसला है क्या नहीं है, कि अकेला एपी ढिल्लन ही क्यों है इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, इतने बढ़िया बढ़िया गाने निकालता लेकिन नाम सिर्फ एक बंदे का, वो एपी ढिल्लन। और ऐसे मस्त मज़ा आता है भगाने में खाली रोड पे, जैसे वो सरदार भी भगा रहे हैं, लेकिन क्या करें हमारी जो ये बसंती है ना हमको पसंद नहीं करती है इतना भगना, इस वजह से हम भगा नहीं पाते इसको। बाकी सब बढ़िया है, मतलब अभी G20 होने वाला है तो रोडों को चमकाया जा रहा है और ये मेन रोड है प्रगति मैदान वाला, तो ये रोड तो चमकाया ही जाएगा क्योंकि प्रगति मैदान में ही हो रहा है G20 की मीटिंग, इसी वजह से ये सारे रोड मेन रूट में आते हैं तो ये सब चमकाया जा रहा है। 8th, 9th और 10th September दिल्ली में अलग ही मज़े हैं रहने के, 3 दिन लगातार छुट्टी। ना ये G20 के वैसे सिक्योरिटी इतनी है, इतनी अभी तक मुझे इस रूट पे कितने दिख चुके हैं पुलिस वाले, कितने ट्रैफिक पुलिस वाले, नॉट पुलिस वाले एक्चुअल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस हर रूट पे खड़े हैं हर रूट पे, क्योंकि भाई ये जहाँ ये G20 की मीटिंग हो रही है ना मेन, मतलब मेन क्या यही एरिया है कि रोड यही मेन रोड है प्रगति मैदान को कनेक्ट करता है, सबसे बड़ा हाईवे ये प्रगति मैदान का यही, अभी आपको दिखाऊंगा आगे में कि इसी रूट पे कैसे प्रगति मैदान आगे में है। ये आ गए हम प्रगति मैदान वाले फर्स्ट ऑफ रूट, देख रहे हो कैसे दिल्ली को चमका रखे है, देखो हर तरफ ट्रैफिक पुलिस,
G20 का मतलब मुझे यही समझ आ रहा है, ग्लोबल 20। ये रही प्रगति मैदान और ये है प्रगति मैदान का मेन रूट। मतलब आप देख रहे हो मैं कहीं नहीं मुड़ा हूँ, मैं सीधा चला आ रहा हूँ। तो यही है वो प्रगति मैदान जहाँ G20 की बैठक और मीटिंग होने वाली है। तो ये है वो जी, देखो ये रहे वो 20 देश जो आएंगे इस देश में मीटिंग करने के लिए, दुनिया के सबसे पावरफुल देश। ये है प्रगति मैदान और हमारे देश के सबसे प्रिय प्रधानमंत्री जी इस मीटिंग के सबसे हाई लेवल के चीफ होंगे, क्योंकि भाई इंडिया में मीटिंग हो रही है तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर तो कुछ होगा तभी तो। तो ये है प्रगति मैदान और ये मैं जा रहा हूँ अब, ये सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट भी यहीं पे है प्रगति मैदान के सामने। तो मैं आ चुका हूँ, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 10 किलोमीटर होगा ये सब चीज़ें। क्या बात क्या बात, आज किस्मत अच्छी है, दोनों रेड लाइट नहीं मिल रही है लगता है। एक तो क्लियर मिली है, दूसरी भी मिलेगी क्या? मिल जाए यार, मज़ा आ जाएगा। मिल गया। अरे बस तो किस्मत लगती है अपनी चांदी। अब वो हॉस्पिटल जाके पता चलेगा कितनी चांदी है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो कुत्ते की तरह भगाते हैं ना। वाइच मेरे को गंदा लगता है, वाइच। ओके यार, मेरे को समझ में नहीं आता कि एक जगह क्यों नहीं काम करते हैं। मतलब एक बार बोल दो ना कि हाँ भाई तुम यहाँ पे इस चैम्बर में चले जाओ और यहाँ पे ही सारा काम हो जाएगा तुम्हारा। नहीं साला, कभी इस चैम्बर में जाओ, कभी उस चैम्बर, वहाँ से फिर उस चैम्बर भेज देंगे, फिर वहाँ से उस चैम्बर भेज देंगे, कभी कहेंगे ये करा के लाओ, कभी कहेंगे वो करा के लाओ। मेरा सरकारी सरकारी होता है यार, कितना भी कुछ कर लो सरकारी काम सरकार के तरीके से होगी और सरकार अपनी बहुत ढीली, बट थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से। बट ठीक है यार, जैसा है जो भी है हमारा है, हम झेलेंगे। और आवाज़ उठाने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं, उसको सही थोड़ी कर सकते हैं। आवाज़ जब तक सुनेगी सरकार तब तक तो हम बुड्ढे हो चुके होंगे, जैसे हमारे माँ बाप आवाज़ उठाते उठाते आज बुड्ढे हो गए हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट दिखी है उन्हें को पहले से। मेरी फट रही है कि मैंने शीशा नहीं लगा रखा अपनी गाड़ी में, कहीं रोक करके चलान लगा दे, क्योंकि अब मेरे को और किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, क्योंकि मेरे पास सब चीज़ है। मेरी फटती किसी चीज़ से नहीं है, बस जो मैं गाड़ी में शीशा नहीं लगा, शीशा ना लगाने का भी एक रीज़न है यार, कि मैं नाइट वाइट में चलता हूँ ना तो रिफ्लेक्ट आँखों को करता है, और मेरी आँखों में जब रिफ्लेक्ट आता है ना लाइट का तो मुझे बहुत तकलीफ होता है, इस वजह से मैं शीशा नहीं लगाता अपनी गाड़ी में। बाकी सेफ्टी ज़रूरी है, शीशा लगाया करो आप लोग भी। मैं रीज़न दे रहा हूँ लेकिन रीज़न नहीं देना चाहिए, सेफ्टी होती है। लेकिन मैं हेलमेट हमेशा प्रॉपर लगा के चलता हूँ, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ हेलमेट लगा के चलूँगा, चाहे मैं ग्लव्स पहनूँ या ना पहनूँ, बट मैं हेलमेट लगा के चलूँगा। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से बाद में, अभी मैं आ चुका हूँ हॉस्पिटल वाले एरिया में। तो मंदिर का पानी था, यहाँ पे पानी पी लिया मैंने रुक करके, और अब मैं जा रहा हूँ अपने काम पे वापस, क्योंकि वो चलते चलते बताते हैं कि क्यों है। कल गए हैं हॉस्पिटल में, हमारे साथ क्या हुआ हम बताते हैं। हम गए हॉस्पिटल जाने के बाद अंदर जाने के बाद हमारा जो EWS का डिपार्टमेंट था वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद कहते हैं कि सर ये पेपर एक्सपायर हो चुका है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप जाइए दोबारा डॉक्टर से पर्ची बनवाइए, उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें साइन करना है कि नहीं, क्योंकि उसके लिए फिर आपके द्वारा से सारा पेपर बनाना पड़ेगा, और फिर उसके लिए 2-3 दिन अपनी ऐसी तैसी करवाओ, फिर पेपर बनवाओ, फिर जाओ, फिर वहाँ भी EWS में जाकर के वो 3 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद डॉक्टर ही पर्ची पे साइन करने के लिए, कम से कम पर्ची पे साइन छोड़ दो, पहले पर्ची बनाने के लिए सुबह 5 बजे जाओ, 5 बजे जाने के बाद लाइन में लगो, लाइन में लगने के बाद नंबर आएगा करीब 12-1-2 बजे तक नंबर आएगा। नंबर आने के बाद पर्ची जा करके डॉक्टर के पास जमा कराओ, जमा कराने के बाद डॉक्टर के पास पहले ऑलरेडी इतनी पर्ची होती है कि वो देखने के लिए ही तुम्हारा सुबह से शाम हो जाएगा। तो वो दिन एक दिन ख़त्म हो गया, दूसरे दिन जाओ, दूसरे दिन पर्ची फिर बनवाओ, क्योंकि पहले दिन वाली पर्ची तुम्हारी मान्य नहीं होगी। नहीं, पर्ची पहले दिन वाली जो होती है वो डॉक्टर देख लेता, मतलब पहले दिन तुम्हारा डॉक्टर देख लिया। अब उसके बाद तुम ये मत सोचना कि मैं जाके उसी दिन काम करा लूँगा, क्योंकि वो 3 बजे तक बैठते जब तक तुम्हारा डॉक्टर देखेगा, जब तक वो अपने घर जा चुके होंगे। तो अगले दिन फिर आओ, फिर वहाँ पे जाके साइन कराओ, फिर उसके बाद वो तुम्हें भगाएंगे फोटोकॉपी के लिए, ये कराओ वो कराओ, ये लेके आओ वो लेके आओ, उसके बाद वो देखेंगे अगर तुम्हारी ID में एक भी मिस्टेक हुआ तो वो कहेंगे भैया नहीं होगा, क्योंकि मैं ये झेल चुका हूँ, ये सारी चीज़ें तकलीफ़ों से गुजर चुका हूँ,
फिर भी मैंने किसी ना किसी तरीके से जबरदस्ती करा के मैंने करा लिया था। अब फिर मुझे वही दोबारा से वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और इसके वजह से मेरी जिंदगी झंड हो चुकी है, बिल्कुल तबाह हो चुका हूँ मैं इन हॉस्पिटलों को चक्कर काट काट के। लेकिन कोई बात नहीं, फ्री का मजा ऐसे ही होता है, समझ गए। अगर पैसे होते ना क्या बात होती। और मैं बात करते 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 पीछे चला गया, मैं यहीं पे हूँ और मैं अब निकलता हूँ। हाँ, निकल गया। कभी कभी हो जाता है, जैसे ये रोड तो मेरे घर जा रहा था लेकिन मुझे घर नहीं लेके जाना ना अपने आप को, मुझे अपने आप को जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ लेके जाना है। तो यही सब बोलना था कि यार यही सब प्रोसेस होता है सरकारी हॉस्पिटलों का, सरकारी काम होता है, लाइन इतनी लंबी लंबी होती है कि इंसान इलाज कराने से पहले ही निकल ले, बहुत लंबी लंबी डेट देते हैं वो। बट कोई नहीं, जैसा है जो भी है झेलेंगे और क्या। तो यही बोलना था कि आज मेरा काम हुआ नहीं हॉस्पिटल से, इसलिए मैं तुरंत वहाँ से निकल गया, क्योंकि मुझे पता है मेरा दिन यहाँ ख़राब होगा और मैं अपना दिन ख़राब नहीं करना चाहता अभी, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ अर्जेंट काम आया हुआ है। तो मैं वहाँ से अपना एक दो दिन बाद अपना जाके काम कराऊंगा और पूरे दिन ख़राब करके। तो बस यही सब कहना था, आज की स्टोरी हमारी यही थी। अभी ट्रैफिक लग रहा है बहुत ज्यादा और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।